एससी और एसटी की लिस्ट में आने वाली जातियों में बंटवारा होना चाहिए। आसान शब्दों में इसका मतलब ये है कि क्या दलितों आदिवासियों को मिलने वाले आरक्षण में बंटवारा होना चाहिए और कुछ दलित आदिवासियों को ज्यादा आरक्षण मिलना चाहिए और कुछ को कम। ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में एससी एसटी आरक्षण पर उपवर्गीकरण की वैधता पर सुनवाई हो रही है और 7 जजों की संवैधानिक पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, जस्टिस बी आर गवई, चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस पंकज मिठल और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ इस बात की सुनवाई कर रही है कि क्या राज्य सरकारों को एस सी एस टी लिस्ट में उपवर्गीकरण करने का अधिकार है या नहीं। ये मामला बेहद अहम हो जाता है क्योंकि इस फैसले के बाद दलितों और आदिवासियों को मिलने वाले आरक्षण पर असर पड़ने वाला है। अगर एस सी एस टी लिस्ट में बंटवारा करने वाली राज्य सरकारों के फैसले को सही ठहराया गया तो फिर दलितों और आदिवासियों के भीतर ही कुछ जातियों को ज्यादा और कुछ को कम कोटा मिलेगा, उसका फायदा मिलेगा। इसलिए इस सुनवाई को बेहद अहम माना जा रहा है। पहले दिन की सुनवाई के दौरान जस्टिस विक्रमनाथ ने कहा था, संपन्न जातियों को पिछड़ी जाति के आरक्षण से क्यों बाहर नहीं निकालना चाहिए, उन्हें जनरल कैटेगरी के साथ कम्पीट करना चाहिए। जो उपजातियां अभी भी पिछड़ी हैं उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए। जस्टिस नाथ की इस टिप्पणी को एस सी एस टी आरक्षण में क्रीमी लेयर की बहस के संदर्भ में समझा जा सकता है क्योंकि लंबे समय से ये दावा किया जाता रहा है कि एस सी एस टी में कुछ जातियों ने ज़्यादा आरक्षण ले लिया और वो अब संपन्न हो गई हैं, जबकि एस सी एस टी लिस्ट की कुछ जो जातियां हैं जो काफ़ी पिछड़ी हुई हैं उनमें अभी आरक्षण का फायदा नहीं पहुँचा गया है, इसलिए इसमें ओ बी सी की तरह ही क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए। तो क्या सुप्रीम कोर्ट में हो रही मौजूदा सुनवाई एस सी एस टी की लिस्ट में क्रीमी लेयर लागू कर सकती है या उसकी ओर बढ़ सकती है? आगे हम इसका जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में हम आपको एस सी एस टी लिस्ट में उपवर्गीकरण की बहस, उसके इतिहास और संविधान में उसको लेकर प्रावधानों के बारे में बताएंगे ताकि आपको अपनी समझ बनाने में आसानी हो सके। सबसे पहले आप ये समझिए कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो क्यों रही है। दरअसल 1975 में पंजाब सरकार ने अपने 25% एससी आरक्षण को दो श्रेणियों में विभाजित करने की अधिसूचना जारी की थी, उन्होंने इसमें बंटवारा कर दिया था। ये किसी राज्य द्वारा मौजूदा आरक्षण को उपवर्गीकृत किए जाने का पहला उदाहरण था। ये अधिसूचना करीब 30 सालों तक लागू रही लेकिन 2004 में इसमें कानूनी बाधाएं आ गई थी। हुआ ये था कि साल 2004 में सर्वोच्च न्यायालय ने ईवी चनैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामले में समानता के अधिकार के उल्लंघन का हवाला देते हुए आंध्र प्रदेश अनुसूचित जाति आरक्षण का युक्तिकरण अधिनियम 2000 को रद्द कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर बल दिया था कि एससी सूची को एकल सजातीय समूह यानी होमोजीनियस ग्रुप के रूप में माना जाना चाहिए। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एससी लिस्ट बनाने, उसमें किसी जाति को शामिल करने या निकालने का अधिकार आर्टिकल 341 के तहत राष्ट्रपति को है, इसलिए राज्य सरकार एससी एसटी लिस्ट के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती और उसमें जातियों का बंटवारा भी नहीं कर सकती। इसलिए पंजाब सरकार का 1975 का फैसला रद्द हो गया था। फिर 2006 में पंजाब सरकार ने पंजाब अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग सेवाओं में आरक्षण अधिनियम 2006 के माध्यम से उपवर्गीकरण को फिर से शुरू कर दिया था लेकिन 2010 में इसे भी रद्द कर दिया गया। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो 2014 में सर्वोच्च न्यायालय ने 2004 के ईवी चनैया मामले के निर्णय की सत्यता पर सवाल उठाते हुए मामले को 5 जजों की संविधान पीठ के पास भेज दिया था। 2020 में इसे 5 जजों की संविधान पीठ ने माना कि 2004 के चनैया मामले में निर्णय पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। इस पीठ ने एससी के एक सजातीय समूह होने के विचार को भी खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि एससी कैटेगरी या एसटी कैटेगरी कोई एकल सजातीय समूह नहीं है यानी होमोजीनियस ग्रुप नहीं है और सूची के भीतर असमान के अस्तित्व को उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ इस लिस्ट में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अनइक्वल हैं, अभी वो बराबर नहीं हुए हैं, इनइक्वालिटी की उन्होंने बात की। 2020 के इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने एससी और एसटी के लिए क्रीमी लेयर की अवधारणा की भी सिफारिश की थी। ये तभी से इस बात का और ज़्यादा कहीं कि जिक्र बढ़ गया, बहस बढ़ गई कि एससी एसटी में भी क्रीमी लेयर होनी चाहिए। फिलहाल इस मामले की सुनवाई 7 जजों वाली बड़ी पीठ कर रही है क्योंकि केवल इसका जो निर्णय है यानी जो 5 जजों की पीठ है उसको बड़ी पीठ जब उस पर फैसला करती है तो वही उसका फैसला पलट सकती है, इसलिए 7 जजों की बेंच इस पर सुनवाई कर रही है।
ये फैसला पंजाब में वाल्मीकि और मजहबी सिख, आंध्र प्रदेश में मडिगा, बिहार में पासवान, यूपी में जाटव और तमिलनाडु में अरुंधतियार जातियों को प्रभावित करेगा। तेलंगाना में भी मडिगा जाति उसको भी प्रभावित करेगा और इसका बाकी देश के हिस्सों पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि फिर इसके आधार पर ही नए नए वर्गीकरण हो सकते हैं, या फिर इस पर जो है अगर पलट जाता है फैसला तो फिर कुछ और भी बड़ा हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के अलावा मोदी सरकार भी इस तरह के उप वर्गीकरण की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। वैसे आपको बता दें कि आरएसएस की तो ये हमेशा एजेंडे में ही रहा है कि वो ये लोगों को बताती रहती है कि आपके भीतर इस जाति ने ज़्यादा फायदा ले लिया, उसने ज़्यादा ले लिया, और एक तरीके का टकराव करके उनके बीच में कहें कि फूट डाल के उनको अलग करने, और दलितों के बीच में भी बंटवारे की राजनीति हमेशा आरएसएस बीजेपी करते रहे हैं। लेकिन फिलहाल मोदी सरकार भी इस उप वर्गीकरण की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। बीते दिनों भारत सरकार ने प्रमुख अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट के द्वारा अन्य सबसे पिछड़े समुदायों के मुकाबले से ज़्यादा फायदा लेने के मुद्दे का समाधान करने के लिए कैबिनेट सचिव के अगुवाई में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है, यानी मोदी सरकार ने कमेटी बना दी है कि वो इसका फैसला करेगी कि क्या ऐसी कैटेगरी में कुछ जातियों ने ज़्यादा फायदा ले लिया और कुछ ने कम लिया है। ये निर्णय विशेष रूप से तेलंगाना के मडिगा समुदाय की मांगों के संबंध में किया गया है, क्योंकि मडिगा समुदाय का ये दावा है कि उन्हें उचित आरक्षण का फायदा नहीं मिलता, जबकि एससी की बाकी जातियाँ सारा आरक्षण ले लेती हैं। इसी तरह के दावे किए जाते हैं, कोई कहता है कि चमारों ने एससी का सारा आरक्षण ले लिया, तो कोई कहता है कि मीणाओं ने आदिवासियों का सारा आरक्षण ले लिया। इस तरह की बातें खूब फैलाई जाती हैं और उनके आधार पर ही एससी में क्रिमिनल लेयर लागू करने की मांग भी की जाती है। हालांकि इस तरह की कोई स्टडी या डेटा उस तरह के अवेलेबल नहीं है जिससे ये साबित हो सके कि किन जातियों ने सबसे ज़्यादा फायदा लिया है। लेकिन यहाँ ये बात समझने की है कि भारत में एससी और एसटी को नौकरियों, शिक्षा और विधानपालिका में आरक्षण का फायदा मिलता है। हम विधानपालिका के आरक्षण की बात नहीं कर रहे, लेकिन नौकरियों की और शिक्षा की जो अगर बात करें, उस आरक्षण को आप तभी ले सकते हैं, ये आरक्षण आपको तभी मिल सकता है जब आप उसके लिए एक मिनिमम क्राइटेरिया को पूरा करते हैं, आप उसकी योग्यता को पूरा करते हैं, तभी आपको आरक्षण का फायदा मिलता है। आपको मैं उदाहरण देकर बताता हूँ कि जैसे अगर कोई बच्चा 12वीं पास करके आया हो तो उसे कॉलेज में एडमिशन देते वक्त आरक्षण का फायदा दिया जा सकता है, लेकिन अगर कोई बच्चा 12वीं पास नहीं है तो उसे उच्च शिक्षा में मिलने वाले आरक्षण का फायदा नहीं मिलेगा। इसी तरह अगर कोई नौकरी एससी या एसटी के लिए आरक्षित है और उसके लिए कैंडिडेट का ग्रेजुएट होना अनिवार्य है, तो क्या बिना डिग्री वाला दलित या आदिवासी वो नौकरी पा सकता है? जवाब है नहीं, उसको वो नौकरी नहीं मिलेगी। यानी आरक्षण का फायदा तभी मिलता है जब आप उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन को, एक क्राइटेरिया को पूरा करते हैं। लेकिन अगर मूसर जैसी जो जातियां हैं उनमें से किसी बच्चे ने 10वीं 12वीं पास ही ना की हो, उन्होंने वो उस एजुकेशन का लेवल पाया ही ना हो, तो फिर उसे कॉलेज में एडमिशन के दौरान जो कोटा मिलता है उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा और ना ही वो नौकरी पा सकेगा, क्योंकि नौकरी और एडमिशन पाने के लिए भी एक क्राइटेरिया बना हुआ है कि आपको 10वीं पास होना चाहिए, आपको 12वीं पास होना चाहिए, आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। इस तरह के कुछ क्राइटेरिया बने हुए हैं। अगर इन वंचित जातियों के कैंडिडेट्स ने वो मिनिमम क्राइटेरिया पूरा ही नहीं किया, यानी वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए हैं, तो फिर उनको उस आरक्षण का फ़ायदा भी नहीं मिलेगा। ये सच बात है कि दलितों में भी वाल्मीकि, मूसहर और मडिगा जैसी जो जातियां हैं आज भी वो बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई हैं, लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है कि उनका आरक्षण बाकी दलित खा गए हैं, बल्कि उसके कई सारे कारण हैं। अगर इन दलित आदिवासी जातियों को आरक्षण का फायदा नहीं मिल रहा है तो हमें ये देखना होगा कि क्या इन जातियों के कैंडिडेट मिनिमम क्राइटेरिया को पूरा करने में सक्षम हैं या नहीं। इन जातियों को मजबूत करने के लिए सबसे ज़रूरी तो ये है कि इन वर्गों तक सरकारी योजनाओं का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाया जाए, इन्हें भोजन और घर जैसी बुनियादी सुविधाएं दी जाएं ताकि उनके पास घर हो, उनको एक पोषण वाला खाना मिल सके, उनके शरीर जो हैं वो अच्छे हष्टपुष्ट बन सकें। इनके बच्चों के लिए स्पेशल स्कॉलरशिप बनाई जाएं कि जो वंचित वर्ग की है इनमें भी एससी एसटी के अंदर भी जो ऐसी जातियाँ हैं उनको ज़्यादा स्कॉलरशिप दी जाएँ। इन एससी और एसटी जाति के बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्टल खोले जाएं ताकि इनमें एजुकेशन के स्तर को बढ़ाया जा सके, उनकी कोचिंग कराई जाए और उन्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार कराया जाए ताकि वो नौकरियां पा सके,
उन्हें इतना सशक्त बनाया जाए कि वो उन्हें मिलने वाले आरक्षण का लाभ लेने के लिए एक मिनिमम क्राइटेरिया पूरा कर जाएं, वो योग्य हो जाएं, वरना आरक्षण का फायदा उन वर्गों को मिल ही नहीं पाएगा। उदाहरण के लिए, अगर कोई चमार कैंडिडेट नौकरी में आरक्षण ना ले तो क्या वो अपने आप ही वाल्मीकि के कैंडिडेट को मिल जाएगी? जवाब है नहीं, क्योंकि वाल्मीकि कैंडिडेट को उस प्रतियोगी लिस्ट में शामिल होना ही पड़ेगा। यानी अगर वो वहाँ पर कहें कि कॉम्पीट कर रहा है, उस लिस्ट में है, तभी उसे मिनिमम क्राइटेरिया फिट होने के बाद ही उसे आरक्षण का फायदा मिलेगा। इसलिए ज़रूरी है कि सरकारों को जिम्मेदार बनाया जाए ताकि वो इन वंचित जातियों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बजट दे और इनके लिए विशेष योजनाएं बनाए। लेकिन यहाँ हो रहा है उल्टा, उल्टी राह पर चल पड़ी हैं सरकारें कोटे के अंदर कोटा लागू करके अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहती हैं। जैसे हमने बिहार में देखा कि दलित और महादलित इस तरह का बंटवारा कर दिया, लेकिन जो महादलित जातियां हैं, क्या उनको अपने फायदा पहुंचाने के लिए विशेष तौर पर कुछ योजनाएं बनाई, कुछ काम किया कि नहीं किया? तो इससे सरकार अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहती हैं, जबकि इन वर्गों तक सही तरीके से फायदा पहुंचाने की ईमानदार कोशिश नहीं हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के अपने फैसले में शेड्यूल कास्ट जातियों को एकल सजातीय समूह मानने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि इनमें कोई एकल सजातीय समूह वाली बात नहीं है, होमोजेनियस ग्रुप नहीं है, ये अलग अलग जातियों को बस एक लिस्ट में डाल दिया गया है। जबकि बात यह है कि फैक्ट है ये बात कि हमारे देश में आपके SC या फिर ST होने से ही आपके साथ जातीय भेदभाव की संभावना बढ़ जाती है। कई बार आप सिर्फ शेड्यूल कास्ट के हैं, शेड्यूल ट्राइब के हैं, उसमें किस जाति के हैं ये बाद में आता है। अगर आपका पता चल जाए कि आप दलित आदिवासी हैं, उसके आधार पर ही आपके साथ भेदभाव या कोई वारदात हो सकती है। NCRB के आंकड़े बताते हैं कि लगातार शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के साथ में जातीय अत्याचार बढ़ता जा रहा है। इसका उदाहरण आप देखें, लगातार बढ़ते जा रहे हैं मामले। इसका मतलब ये है कि आरक्षण से कुछ लोगों को फायदा मिलने के बाद भी ये ज़रूरी नहीं है कि समाज में उनके साथ भेदभाव या हिंसा ना हो, क्योंकि आंकड़े कहते हैं कि अपराध लगातार बढ़ रहा है। अच्छे पढ़े लिखे और नौकरी पेशा दलितों आदिवासियों को भी दिल्ली मुंबई जैसे बड़े बड़े शहरों तक में किराए का मकान मिलने तक में परेशानी उठानी पड़ती है। यहाँ लोग जातियाँ देखते हैं। वैसे भी आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है कि आपको अमीर बना दिया जाए, आप गाड़ी खरीद ले, आप मोबाइल खरीद ले, आप घर बना ले तो उसके बाद आप दलित नहीं रहते, ऐसा नहीं है। जातीय आरक्षण जो है, जो जातिवाद है, उसको मिटाने का एक तरीका हो सकता है, क्योंकि भारत में आपकी सामाजिक हैसियत जो है आर्थिक हैसियत से ज़्यादा जाति के हिसाब से तय होती है। आरक्षण आपकी दरअसल भागीदारी की गारंटी है। वो आपको बताता है कि जब ये देश बन रहा है, हमारे देश का निर्माण हो रहा है, तो सरकार में देश के निर्माण में आपकी भागीदारी होगी, आपको पढ़ने लिखने की गारंटी होगी। फिर भी इसे बार बार अमीरी और गरीबी से जोड़ दिया जाता है। जिन क्षेत्रों में आरक्षण लागू नहीं है, क्या वहाँ दलितों और आदिवासियों की भागीदारी पर्याप्त है? इसका उदाहरण आप देखिए कि प्राइवेट सेक्टर में आप देखिए, जहाँ पर आरक्षण लागू नहीं है वहाँ इन वर्गों के लोग कितने हैं? वहाँ पर तो कुछ भी नहीं। आरक्षण की जो नौकरियाँ हैं वो तो चंद नौकरियाँ हैं। सरकारी नौकरियाँ ही पूरे देश में करीब 2 करोड़ हैं, उसमें से आप SC ST की नौकरियाँ देखेंगे, बहुत कम नंबर है। बाकी जो प्राइवेट इंडस्ट्री है उसमें क्या हमारा पर्याप्त प्रतिनिधित्व है, इस बारे में कोई बात नहीं होती। जुडिशरी से लेकर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर तक और सरकार के सचिवों से लेकर लेटरल एंट्री तक आप देखेंगे SC ST के कैंडिडेट को भरा नहीं जाता है, उनकी मौजूदगी वहाँ पर नहीं है, वो देखने को भी नहीं मिलते। लेकिन फिर भी कह दिया जाता है कि अब जातिवाद कहाँ होता है, इस तरह की बातें की जाती हैं। लेकिन ऐसे माहौल में SC ST में बंटवारा करना या क्रीमी लेयर की सिफारिश करना उचित नहीं है, क्योंकि इससे एक ये आशंका है हम लोगों की, जो दलित बहुजन समाज है उसकी आशंका है कि जो एक सामूहिक एकता बनती है वो टूट जाएगी। अगर कुछ जातियों को ज़्यादा फायदा मिले, कुछ को कम मिले, या कुछ में क्रीमी लेयर में उनको बाहर कर दिया जाए, तो जो आंदोलन दलित बहुजन समाज मिलकर करता है उसमें कुछ लोगों को ये ख्याल आएगा कि यार हमको तो बहुत कम फ़ायदा मिलता है, हमको तो ज़्यादा फायदा मिलता नहीं है, या हम तो क्रीमी लेयर में आ गए, हम अब आरक्षण बचाने क्यों जाएं या संवैधानिक अधिकारों को बचाने क्यों जाएं। तो इस तरह का एक टकराव या फिर उनकी आप में बंटवारा देखने को मिल सकता है। इसलिए भी इसकी जो परिकल्पना है, जिसके बारे में सोचा जा रहा है, उससे इस तरह की आशंका जाहिर की जा रही है। ये सिफारिश लागू करना या फिर इसमें क्रीमी लेयर लागू करना फिलहाल अभी उचित
वंचित नहीं होगा। वंचित वर्गों के भीतर भी जो अधिक वंचित हैं उसके उत्थान के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मक कदम उठाने की ज़रूरत है, लेकिन सिर्फ इस कदम से उनका भला नहीं होने वाला, ये भी ध्यान देने वाली बात है। इस बारे में हमें व्यापक अध्ययन करने चाहिए, आंकड़े जुटाने चाहिए और तब किसी नतीजे पर पहुंचना चाहिए, क्योंकि ये हवा हवाई बातें नहीं होनी चाहिए। कंक्रीट डेटा होगा, उसके आधार पर कुछ इस तरह का आप रिजल्ट निकाल सकते हैं। संविधान बनाते वक्त हमारे जो संविधान निर्माता हैं उन्होंने भी SC और ST की लिस्ट को इतना सेंसिटिव माना कि इसको बनाने का अधिकार उन्होंने राष्ट्रपति को दिया। ये लिस्ट बनाने का अधिकार किसी और को नहीं दिया बल्कि राष्ट्रपति को दिया कि वो किसी के लिस्ट में इसमें डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। लिस्ट के भीतर किसी तरह का बंटवारा करना या उसमें उपवर्गीकरण करना ये राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, संविधान में इसकी व्याख्या नहीं है। इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट है वो इसकी संविधान पीठ इस पर सुनवाई कर रही है, तो देखना है कि क्या वो इसके पक्ष में फैसला देते हैं या फिर इसके खिलाफ फैसला देते हैं और क्या क्रीमी लेयर पर भी कुछ इस तरह की बात की जाती है। इस पर हमारी नज़र बनी हुई है, इस विषय पर हमें और ज़्यादा व्यापक समझ बनाने की ज़रूरत है। मैं भी पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़ लिखें इस बारे में और देखें कि हम इसमें क्या समझ बना सकते हैं, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, उसके बारे में आप कमेंट के जरिए हम तक अपनी राय पहुंचा सकते हैं। हम आपकी राय पढ़ेंगे और उससे भी कुछ समझने की कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में जो भी इस पर अपडेट्स आते हैं, क्योंकि ये सुनवाई अभी चल रही है। कोर्ट इस पर क्या फैसला लेता है उस पर हम आपको डिटेल्ड रिपोर्ट देंगे और कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में इस विषय पर ज़्यादा कंटेंट आप तक पहुंचा सके। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, इस बहस पर आपकी क्या राय है कि बंटवारा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्रीमी लेयर लागू होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, कमेंट करके लिखें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है SB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें, टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।